हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज हम देखेंगे क्लास फोर्थ कंप्यूटर सब्जेक्ट से एक्सप्लोरिंग विंडो 10 पर प्रैक्टिकल्स। इससे पहले मैंने क्लास थर्ड के कंप्यूटर चैप्टर में एमएस विंडो, नो मोर अबाउट विंडो एंड एमएस पेंट पर प्रैक्टिकल्स की वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर अवश्य देखें। तो चलिए आज का विंडो स्टार्ट करते हैं। इस विंडो में आज हम जानेंगे फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, फाइल एंड फोल्डर्स, वर्किंग विथ फाइल्स फोल्डर, क्रिएटिंग फाइल फोल्डर, ओपनिंग फाइल्स फोल्डर, सेलेक्टिंग फाइल फोल्डर्स, कॉपिंग फाइल फोल्डर्स, मूविंग फाइल्स फोल्डर्स, रिनेमिंग फाइल फोल्डर्स, डिलीटिंग फाइल फोल्डर एंड क्रिएटिंग शॉर्टकट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सप्लोरिंग विंडो कहाँ से ओपन करेंगे। डेस्कटॉप पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे टास्क बार में ये येलो कलर का ये सिंबल आ रहा है। यहाँ से हम क्लिक करके विंडो एक्सप्लोरर ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, जो भी येलो कलर के आपको ये दिख रहे हैं ये हमारा फोल्डर कहलाता है और ये W, X ये सारे जो है हमारे फाइल्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम ओपन करके देखते हैं। सपोज मान लीजिए इस फोल्डर को हम ओपन करके देखना चाहते हैं। फोल्डर को हम डबल क्लिक करके माउस से ओपन कर सकते हैं और इसके अंदर के ऑप्शंस को हम डबल क्लिक करके देख सकते हैं। इसी प्रकार हम फाइल्स को भी ओपन कर सकते हैं। वापस हम एक्सप्लोरिंग विंडो को ओपन करेंगे, डॉक्यूमेंट पर जाएंगे और ये W की फाइल्स है, इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हमने क्लास सेकेंड्स के कंप्यूटर्स के कुछ लिख रखे हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ से आप मैक्सिमाइज करके इस विंडो को हम देख सकते हैं। ये हमारे फाइल्स ओपन हो चुके हैं। क्रॉस करके वापस हम इस विंडो पर आ जाते हैं। अब हम किसी भी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कैसे करते हैं, तो माउस को हम जिस भी फोल्डर को सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक साथ हमें एक से ज़्यादा फोल्डर या फाइल को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट की को प्रेस करते हुए हम एरो की से फाइल एंड फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम माउस से ड्रैग करते हुए जितने भी फाइल एंड फोल्डर हमें सेलेक्ट करने हैं वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार हम माउस को ड्रैग करते हुए सेलेक्ट करवा रहे हैं। अब हम जानेंगे किसी भी फाइल एंड फोल्डर को कॉपी करना। सपोज मान लीजिए हम इस फाइल की कॉपी करना चाहते हैं। जिस भी फाइल की हम कॉपी करना चाहते हैं उस पर हम माउस को पहले क्लिक करेंगे, फिर माउस को राइट क्लिक करके उसकी कॉपी करेंगे एंड देन इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं और जहाँ पर भी हमें उसको पेस्ट करना है माउस को राइट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हम पेस्ट ऑप्शन डाल देंगे। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, क्लास 2 CBSE कंप्यूटर। ये हमारे जो भी हमने कॉपी किए यहाँ पर हमें शो हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइल एंड फोल्डर्स को मूव कराना। जैसे हमने इस फोल्डर को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, इसी प्रकार हम फोल्डर को भी कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा फोल्डर है, माउस को राइट क्लिक करेंगे, वापस उसी प्रकार हम कॉपी करेंगे, यहाँ से हम मिनिमाइज करेंगे और डेस्कटॉप पर जाकर माउस को हम राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। देखिए ये हमारा फोल्डर आ गया। अब बच्चों हम सीखेंगे फाइल एंड फोल्डर को मूविंग कराना, यानी एक जगह से दूसरी जगह हम मूव कैसे करा सकते हैं। फोल्डर को हमें मूव कराना है तो माउस से हम फोल्डर को क्लिक करते हुए ड्रैग करते हुए इसको हम मूव करा सकते हैं। जहाँ पर भी जिस भी स्क्रीन में जहाँ पर हमें रखना है उसको हम मूव करा कर रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया। इसी प्रकार फाइल को भी हम माउस से क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करते हुए, पुश करते हुए एंड ड्रैग करते हुए इसे हम जहाँ भी चाहे वहाँ मूव करा सकते हैं और जहाँ भी चाहे वहाँ उसको हम सेव कर सकते हैं।
अब हम सीखेंगे बच्चों रीनेमिंग फाइल एंड फोल्डर। ये नाम दिया गया है, ठीक है, अभी हमने देखा था। या फिर हमारा ये है क्लास सेकेंड CBSE कंप्यूटर। अगर इसको हम दूसरा नाम देना चाहते हैं तो इसी फोल्डर पर हम माउस को रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम रीनेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम वापस नाम चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कैप्स लॉक क्लिक करके हम कैपिटल में भी नाम इसका लिख सकते हैं। अभी हमने कैप्स लॉक बंद कर दिया है क्लास टू, ठीक है। जो भी नाम आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। हम वापस क्लास टू कंप्यूटर ही लिख रहे हैं। जो भी नाम आप चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और उसके बाद माउस को हम अलग क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर हर्ष का नाम चेंज हो चुका है। इसी प्रकार किसी भी फाइल एंड फोल्डर को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे? जिस भी फाइल एंड फोल्डर को हमें डिलीट करना है, जैसे मान लीजिए इस फोल्डर को हमें डिलीट करना है, तो फोल्डर पर माउस को क्लिक करेंगे, फिर माउस को राइट क्लिक करेंगे, देन नीचे से तीसरा ऑप्शन डिलीट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं वो हमसे पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू मूव द फोल्डर टू द रिसाइकिल बिन। क्या आप श्योर हैं कि इस फोल्डर को आप रिसाइकिल बिन में डालना चाहते हैं? अगर हम श्योर हैं तो यस, तो ये हमारा फोल्डर जो है डिलीट हो गया और रिसाइकिल बिन में चला गया। अब हम जानेंगे किसी भी फोल्डर या फाइल का शॉर्टकट बनाना। शॉर्टकट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस लोकेशन में जाएंगे, फाइल एंड फोल्डर की जहाँ लोकेशन रहती है, विंडो एक्सप्लोरर अभी हमने आपको बताया था, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। और मान लीजिए इसका शॉर्टकट हमें दूसरा बनाना है तो वापस हम इस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए ऑटो भी हमने लिया है, ऑडियो भी, इसको हमने क्लिक किए और यहाँ से हम शॉर्टकट की बना सकते हैं। डायरेक्ट हम डेस्कटॉप पर आ जाते हैं और इसके हमको शॉर्टकट की बनाना है, माउस को राइट क्लिक करेंगे जिस भी फोल्डर को हमें बनाना है और क्रिएट नंबर फोर, नीचे से नंबर फोर क्रिएट शॉर्टकट हम क्लिक करेंगे। देखिए इसके शॉर्टकट्स बन गए हैं और वापस ही इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट की पहचानने का तरीका यह है, देखिए ये ओरिजिनल फाइल्स है और शॉर्टकट में ये इस तरह का एरो बना हुआ है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज के अध्याय में आपने सीखा फाइल्स एंड फोल्डर्स क्या होते हैं, फाइल एंड फोल्डर्स को क्रिएट कैसे किया जाता है, ओपन कैसे करते हैं, उसे हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, कॉपी करके एक जगह से दूसरी जगह कैसे पेस्ट करते हैं, फाइल एंड फोल्डर्स को मूव कैसे करते हैं, फाइल एंड फोल्डर्स के नाम कैसे चेंज करते हैं, फाइल एंड फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं। साथ ही हमने जाना कि इनके शॉर्टकट्स हम कैसे बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।